ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट और बिकॉज निवेदिता बासु शी इज लाइक माई फर्स्ट क्रिएटिव डायरेक्टर. मैंने अपना करियर उनके साथ शुरू किया था एंड शी इज़ द कॉन्टेंट हेड ऑफ दिस चैनल आई हर्ड. सो मैं उनको भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करती हूँ, बेस्ट विशेज देती हूँ एंड आई होप एंड विश कि ये बहुत अच्छा मतलब लोग इसको पसंद करेंगे. इट विल डू वेल. नो लाइक एज वी सी द कॉन्टेंट ऑन ओ टी टी राइट नाउ बहुत डिफरेंट ऑडियंस को केटर कर रहा है. जो अभी तक एक होता था कि सिर्फ मूवीज़ और टी वी, लेकिन अब ओ टी टी के आने के बाद से एक अलग ही रिवोल्यूशन आया है. बहुत लोग बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं विद कॉन्टेंट. सो आई एम वेरी हैप्पी और लेट्स सी अभी और अच्छे. आई रियली होप एंड विश कि और अच्छे शोज बनेंगे और ऑडियंस को और एंटरटेनमेंट. नहीं भाभी जी तो ऑब्वियसली इट्स अ कल्ट शो और मैं चाहती हूँ कि कॉमेडी शोज़ और आने चाहिए. ऑब्वियसली लाइक कोविड टाइम में तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को कहाँ कहाँ से कॉल्स आते थे कि लोग सिर्फ भाभी जी देखते थे क्योंकि इतना ऑलरेडी स्ट्रेस था लोगों की लाइफ में. तो इट्स अ स्ट्रेस बस्टर. तो मैं चाहती हूँ कि कुछ रोम कॉम्स और आने चाहिए. तो लेट्स सी. आई अतरंगी को मैं ढेर सारी बधाई देती हूँ और ये भी सजेशन देती हूँ प्लीज़ कुछ रोम कॉम्स भी बनाइए. थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट. कल कैसा लगा आपको? एक हाँ और वो अभी वो रोने वाला कि मैं उसको बोलता हूँ कि मेरी माँ और फिर हाँ हाँ और फिर रोल भाई मैं उनसे बात कर रहा हूँ ऐसे टाइम पास. आई एम वेरी एक्साइटेड. मैं नाम सुन के जैसे ही मुझे कहा गया कि यू नो वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, मैंने बोला ऑफकोर्स यार, सबसे अतरंगी पर्सन, हाउ कैन आई मिस दिस. तो आई थिंक बहुत एक्साइटेड हूँ मैं. अतरंगी करके एक चैनल लॉन्च हो रहा है, नाम ही इतना अच्छा है, तो आई एम एक्साइटेड एज टू वॉट कॉन्टेंट दे विल ब्रिंग ऑन. एज एन एक्टर मुझे बहुत यू नो एक्साइटमेंट फील हो रहा है, तो आई थिंक ऑडियंस को भी एक होगा क्योंकि यू नो देयर इज अ न्यू चैनल जो आ गया है, अब वो कैसा कंटेंट लाएगा और प्लस ऑप्शंस बढ़ जाते हैं ऑडियंस के लिए कि अच्छा यू नो अब ये यहाँ पे ये देखने मिल रहा है, यहाँ पे ये नए चैनल में नई बात क्या है, अतरंगी क्या है. सो आई थिंक बहुत एक्साइटेड हूँ मैं एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच. बस मेहनत कर रहा हूँ मैं दिन रात. इनफैक्ट बहुत मेहनत कर रहा हूँ. यहाँ पे एक्चुअली मेरे को पूरा छिल भी गया है क्योंकि हम लोग थोड़ा सा हार्नेस के शॉट कर रहे थे एंड बिकॉज व्हेन आई ट्रांसफॉर्म इनटू द नेवला मैं ऊपर टी शर्ट नहीं पहनता हूँ, तो हार्नेस ने पूरा छिल विल दिया है. बट मैं अपने स्टंट्स भी खुद कर रहा हूँ. मैं जो भी है पूरी 100% दे रहा हूँ और 120% से ज़्यादा देने की कोशिश कर रहा हूँ एंड आई एम ग्लैड क्योंकि आज ट्विटर पे बड़ा धमाल हुआ था कि यू नो वी लव ईशान एंड ये वो, तो मुझे एक बहुत अच्छा लगा, एक खुशी हुई देख के. तो आई एम रियली हैप्पी कि लोगों को पसंद आ रहा है, मेरी मेहनत लोगों को दिख रही है एंड आई एम रियली ग्लैड. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव गाइज. और मैं ऐसे ही मेहनत करते रहूँगा, आप लोग बस ऐसे ही प्यार करते रहना. सिम्बा के साथ तो बहुत ही चिल्ड वाइब है मेरी कि मैं और सिम्बा तो हम लोग मस्ती करते रहते हैं. तो जो भी सेट पे यू नो जोक्स और मस्ती मजाक जो चालू करने वाला होता है, जो सबको यू नो वो एक सीरियस जोन से एक यू नो एक हैप्पी एक फन जोन में लाने वाला बंदा, आई थिंक वो सिम्बा है.
ही इज़ ऑलवेज क्रैकिंग जोक्स ऑन सेट, तो बहुत मजा आता है सिम्बा के साथ. तेजस्वी तेजस्वी इज़ अ वेरी वार्म पर्सन, यू नो शी मेक्स मी फील वेरी कम्फर्टेबल कभी भी, क्योंकि मेरे मोस्टली सीन्स उसी के साथ होते हैं. तो यू नो ऑब्वियसली मी बींग न्यू ऑन द सेट, मेरे को एक ऐसा हो जाता है कि अरे क्या मैं इसको ऐसे कर लूँ, एंड शी इज़ ऑलवेज वेरी सपोर्टिव. तो आई थिंक यू नो हैविंग तेजस्वी, सिम्बा, ऑल दीज गाइस, सुधा जी, महक, एवरी वन हु इज अ पार्ट ऑफ द शो, स्नेहा जी, वेरी वेरी गुड कास्ट, वेरी वार्म पीपल, एंड यू नो आई फील लाइक आई एम एट होम यार. तो मुझे यू नो एक वो कॉन्फिडेंस आता है एक्टिंग करते टाइम, सो आई थिंक बहुत अच्छा फील कराते हैं. यार आई थिंक बिग बॉस ये सब बस हो गया यार अभी. नाउ आफ्टर नागिन नाउ यू सी मी ऑन अतरंगी. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच. चलो ब्रो, आई सी यू. हाउ डू यू, डू यू गाइस गो इनसाइड? इज गोइंग गुड. Excited. I'm sure there'll be many good shows in that channel, and I would like to congratulate the entire team for launching a new channel, and wish them all the best. And nowadays the content is king, and OTT platforms are the king. How do you see OTT platforms growing in India in future? I think OTT has already grown, and it's going to grow more and more for sure. And yeah, because we have good content in OTT, we have good stories, good screenplay, everything is so good that definitely it's going to grow more and more. And any upcoming project from your side? Well, I just had this Jeena Abhi Baki have released, so hopefully soon aapko bahut jaldi pata chalega. And what about the reality show? Would you like to explore any other reality show, because you were the part of it? Yes, yes. Any other reality show, Lock Up or yeah. Definitely reality show, yes. I mean, if something excites me, I'm definitely gonna take it over. Okay. Let's see. Which will be the next reality show would you love to play? I prefer dancing. I like dancing more and adventure more. So maybe those genre, yeah. Thank you so much. Thank you. मैं इतना तो नहीं कहूँगा, बट कन्यादान इज़ वेरी गुड एंड अतरंगी बहुत अच्छा थिंग है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अब अतरंगी के बारे में कन्यादान इज गोइंग टू बी डू डन. ओ इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज़ है, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट. और मैं आई वॉन्ट टू डू, जब अतरंगी का काम होगा तो आई विल डेफिनेटली डू एंड समथिंग एल्स. एंड योर प्रोजेक्ट इज आल्सो कमिंग आई गेस, वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट? नो 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 नॉट माय सेइंग, आई विल
जब शाम को हो जाएगा व्हेनेवर इज देयर देन आई विल टेल यू. अपार्ट फ्रॉम दिस एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट? नो, नॉट एट द मोमेंट. एट द मोमेंट बट आई विल डू समथिंग ऑन द अदर डेफिनेटली. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. Them nervous. You said roll, they were not ready. I would say that you know, whenever there is a new platform that comes about, a new channel that is that comes out in the market, first of all it creates so much more hope than there is currently. There's so much more opportunity that will be created for so many people around in our industry, and especially now at this point in time when we have gone through COVID for 2 years and we've gone through such a tough time for everyone, whether it's the actors or technicians, directors, producers, everybody. Today we have a channel that is that's coming on, and I think it will be a fantastic time because all the people who have been looking for opportunities or more opportunities will have another platform to look at, and you know, maybe get a lot more opportunities here on this channel and on this platform. Well, as of now I don't know if I'm doing a project for Atrangi, but if I do, I'll be very happy because Vibhu Agarwal is a very, very dear friend of mine, and I'm very happy for him that he's got such a huge, I mean, he's hugely successful today, and in no time he has created such a huge image and repertoire of work for himself with his other channels, and now he's coming with a full-fledged television channel. And I think whenever that happens, whether I associate as a as an actor or a producer, I think I'll be looking forward to working with him. See, Anupama itself as a show, as a daily show, it has been on top for last 2 years. We've all worked very hard, and I think all that love and all that reputation of a successful show got us the eyeballs even on OTT for our 11 episode series, and we topped the charts there as well. So I think there is first of all God's blessings. I think we are blessed to have a show that has got so much love from the audiences across the globe, and then we come on OTT and we've got so much love on OTT that we have topped the charts even on OTT, and I'm very happy. I mean, we can't thank God enough that we've got a show that is successful on television and as well as OTT. Sir, to do two different roles, because Anupama in the OTT is a different character from your side, mainstream is a different character. How you have taken this challenge, sir? For an actor, every day is challenging. Every scene is a challenge, and a challenge is not not a very tough thing to deal with, you know, on a daily basis. Because
One, when you're doing a daily show, it's a challenge every day because you've got, you're running against time. You've got so much to perform, you've got so much to learn, you've got so much to execute. So there's a challenge every day. And when we did OTT, I think what I played for 2 years as one Raj Shah with a guy who's been angry, who's been frustrated, who's been emotionally drained and with a moustache, looking very tough. I got to play myself on OTT and I had no moustache, so I was able to laugh. नकली मूछ नहीं लगाई थी तो मुझे खुल के हंसने का मौका मिला. सो आई एंजॉयड माई टाइम व्हाइल आई शॉट फॉर दी ओटीटी एंड प्लेड अ यंगर कैरेक्टर 17 इयर्स यंगर देन ही इज. थैंक यू सो मच. Also for the viewers, because they're going to see varied kind of programs that I'm told. Along with that, also for the people who are working in the industry, I think it'll be a great thing for a new channel to start. So I'm really looking forward for all the programs in this channel. As of now, no. I am here just to support this new channel. Not that I am aware of, but I wish all the contestants all the luck for the season. See, if it is talent based reality, I would love to be part of. But Big Boss, I don't think I am made for that. I'm doing one web series currently, and along with that one music video which I just shot, and it's getting released tomorrow with Shweta Tiwari ma'am. It's coming out tomorrow. Thank you so much. Thank you. Channel head, so we both of us are very, very excited. Nivedita. So both of us are very, very excited and happy, and just want to wish her all the best. I think hum
Nivedita, hum literally bachche the when we all started out together. Me as an actor, she as a creative. And ab hum boodhe hone ke raaste pe chal chuke hain, bachche se boodhe. And it's so amazing to see everybody's journey. So, hum dono yahan pe Nivi ko ek tight hug dene aaye, congratulate karne aaye for a new chapter of her life. So yeah, just lots of love. Is there any upcoming project from your side? Any music album? Any OTT? Yeah, OTT. I've done for Balaji, and we just want to get into production now, both of us. So very soon you'll be hearing something. Yeah. And would you like to say something about your project? Same. Yeah, we have the whole effort is to be behind the camera now, as creators and producers. So. And what about the reality shows? Would you like to explore any reality show? We've done so many of them that I think we are veterans and we've taken retirement. अब मतलब सोच के भी कि do a reality show, one is like no, अब retirement की उम्र आ गई है. As you guys have done Bigg Boss, and can we see you once again in that house any of in future? Absolutely not. No way. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. All the best, guys. Thank you so much. Very excited. I'm here to celebrate with them, and the entire team is very nice. And obviously, सबको पता है the love that I have for TV. तो एक और हमारे पास platform आ रहा है, नया channel आ रहा है, and एक experienced team उसके पीछे associated है. So I want to wish Mr. Vibhu Agrawal and the entire team and all the people associated with it, Nivedita ma'am and everybody, all the very best. और एक्साइटेड हूँ मैं देखने के लिए कि क्या क्या शोज आने वाले हैं, कैसा कंटेंट आने वाला है. मे बी मैं भी आपको कभी ना कभी देखने को मिल जाऊँ. सो या एंड व्हाट डू वांट टू से अबाउट योर करंट शो? द पीपल आर लविंग दैट शो, स्पेशली योर रोल. टेल अस समथिंग अबाउट इट. आई वांट टू जस्ट से दैट थैंक यू गाइज फॉर ऑलवेज लविंग माई कैरेक्टर्स एंड माई शोज. For an actor, I think it's the biggest blessing. जब आप जो काम करते हो वो appreciated होता है. And yes, people are really liking Anjali. So just keep giving me all your love. Thank you so much. हो गया ना photos? इतना अच्छा लग रहा है मुझे बिकॉज इट्स डिफरेंट एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि बहुत बढ़िया कंटेंट लाने वाले हैं ये. बिकॉज जो कि कहा जाता है कि आजकल बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो OTT देखना पसंद करते हैं. इफ़ देयर समथिंग न्यू डिफरेंट एंड एजी ऑन टेलीविजन देन श्योरली पीपल विल लाइक इट.
why not? If the concept is good, if there's something for which I suit, क्यों नहीं करूँगा यार? मतलब as an actor, you're always open for good things. There's a lot, yeah, I want to explore, maybe a historic or an action-based thing or a cop. There are so many things that as an actor, I'm always ready to do. And apart from this, is there any upcoming project from your side? Right now, I'm doing a show. It's already on air, Moh Se Chal Kiye Jaye. So right now, I'm not doing on the acting front anything. But yes, there's a news that I want to break, that I'm coming up with one OTT platform that is called Flock, and there's going to be good content on that. And what about the reality show? How do you see a reality show? Because there are so many reality shows. When we talk about Big Boss, is there dancing reality show? Is there? Yeah. How do you see reality shows? I take it with a pinch of salt. I don't know how far how much reality there is, because I've never been a part of any reality show. If you ask my favorite one, then it is Khatro Ke Khiladi. That is something which I can relate to. Big Boss is a little tricky. I don't see myself, you know, watching it or doing that. Khatro Ke Khiladi, yeah. Is there any of your friend is going on? Friend, actually I don't know the list of people who are going, and none of my friend has, you know, called me and said that I'm going, so I don't know about the contestants. But it's a good show, and I hope that all the contestants do well, are safe while doing the stunts, and they have fun. Thank you so much. Thank you. पहले फोटो कौन जी कैसे हो? बढ़िया दादाजी, यहाँ पे congratulate Atrangi channel. आज उनका launch है, इतना बड़ा दिन है, and definitely यार, I mean एक नए channel का launch होता है तो it's a good thing, and all actors are gonna feel more happy. एक और channel आ रहा है, and that's why I'm here to congratulate the whole team of Atrangi, of Ullu, and I think it's just amazing. वो मैं कैसे बता सकती हूँ यार, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ चैनल टू डिसाइड, बट आई एम श्योर द कॉन्टेंट ऑफ दिस चैनल इज़ अमेजिंग, एंड मैंने जो सुना है कि बहुत अच्छे कॉन्टेंट के साथ आ रहे हैं अतरंगी चैनल, एंड आई एम श्योर इट्स गोना रॉक. व्हाट आई हैव नॉट डन, यू नो, आई वांट टू, I have not played any historic character, you know, जैसे घोड़े पे बैठ के लड़ रहे हैं, you know, so I really would love to do something very historic, like a period drama or something like that. But you have done Nagin, and the starting phase of Nagin was excellent. What do you want to say about it? People want to see more coming from the Nagin section. What I did in Nagin 1, thank you so much for that compliment. Yes, people loved Shesha, and I really don't know Nagin 6 mein ab aa rahi ho nahi, but Nagin 6 ki shuruaat mein sabne mujhe dekh liya hai. I was a part of it, so I don't know aage kya hoga. It's not for me to decide. Inshallah, I hope, you know, everyone gets to see me soon. And what do you want to say about your best friend, how she is performing in Nagin 6?
हमेशा मैंने यही कहा है कि तेजा इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब इन नागिन 6 एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर एंड आई नो दैट यू नो ऑल हर फैंस एंड द ऑडियंस आर लविंग हर. थैंक्स अ लॉट. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. अतरंगी चैनल का नाम जो रखा गया है वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है, क्योंकि इस चैनल के अंदर हम केवल सास बहू ही नहीं दिखाने जा रहे हैं, बहुत से अलग कार्यक्रम होंगे हमारे इसके अंदर. और हम इस कार्यक्रम में इस जो हम लोग ओरिजिनल अपना 4-4.5 घंटे का जो हम प्रोग्राम ला रहे हैं उसके अंदर मल्टी वैरायटी ऑफ थिंग्स होंगी हमारी, जो हम एक शॉर्ट फॉर्मेट में दिखाएंगे डेली, वीकली, मंथली और हाफ ईयरली. काफ़ी डिफरेंट लग रहा है कितने क्या कंटेंट आने वाले कंटेंट चेंज रहा है. यस, किस तरह के कंटेंट देखने मिलेगा आपके चैनल कंटेंट? आप सिंपली वन लाइन में मैं आपको कहना चाहूँगा दैट OTT ऑन TV. तो दिस इज़ द वन लाइन जो आप लोग समझ जाएंगे कि कंटेंट क्या आने वाला है. ऑफकोर्स एज पर दी SNP, एज पर दी रूल्स ऑफ MIV, हम वो लोग उस चीज़ का पूरा ध्यान रखेंगे. बट द कलर करेक्शन आप कह सकते हैं, या जो उसका एक DI सिस्टम होता है, या जो एक लेंथ वाइज आप कह सकते हैं जो लंबी चीज़ें होंगी ना, वो हमको नहीं देनी है. वो आपका उसी हिसाब से होगा जैसे वेब सीरीज़ में दिखाया जाता है. आएगा खट 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 खत्म, फिर नेक्स्ट कट 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 खत्म, ऐसे. कब से इस चैलेंज हुआ? देखिए भगवान के आशीर्वाद से हम लोग पूरी प्लानिंग में, फर्स्ट वीक ऑफ जून में हमारी इसकी लॉन्चिंग है. मतलब हम लोग ऑन एयर हो जाएंगे और हम लोग सारे MSOs, केबल ऑपरेटर्स और DTH जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन सब में आपको अवेलेबल होगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Firstly, like to congratulate Vibhuji on the opening of this channel, GEC channel Atrangi, and Satne also Nivedita Basu. I think it's going to be fantastic. A lot of good content is going to come here, and I'm looking forward to it. That you know, we've got another GEC channel in the making, and so all I can say is welcome to the TV world. For sure, although if there's some good content or something which I really like, I will definitely be. Yeah, I'd definitely like to explore something which is related to defense services or you know the police force or sports. Agar aisa koi show hoga to main definitely karunga. Apart from this, what do you want to say about the reality show? Yeah. What kind of reality show would you like to explore? Yeah, reality, I've already won Khatron Ke Khiladi. Yeah.
And I think I would definitely like to try something which is again maybe dance related or more dance only or action related. Yeah. Yes, I have Inspector Avinash coming. I have Bal Naren, jiska poster launch kal tha. Then I have Bagavat coming in. So that's good projects. Thank you. अतरंगी चैनल के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुद एक्साइटेड हूँ, क्योंकि पहली बात तो जो भी चीज़ होती है मुझे सबसे पहले नाम से अट्रैक्ट करती है, तो नाम इतना यूनिक है अतरंगी, और इसे समझ में आता है कि अब जो हम ऐसा कंटेंट देख देख के लगभग पक चुके हैं एक जैसा, तो ऐसा लग रहा है कि अतरंगी पे हमको कुछ अतरंगी कुछ नया देखने को मिलेगा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा. तो आई एम रियली एक्साइटेड एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू द होल टीम ऑफ अतरंगी. मेरे लिए तो जैसे मैं बोल रही हूँ ना, पिछले दो साल से डिजिटल का एक तो ज़माना भी बहुत आ गया है, एंड वी बीइंग ऑन डिजिटल जैसे कि यूट्यूब पे हम लोग हैं, हम लोगों ने बहुत कुछ ऐसा महसूस किया कि दिस इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग. और नेक्स्ट बिग थिंग नहीं, आ गई वो चीज़, वो बिग थिंग अब हमारे सामने है. सो हम लोग क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं यूट्यूब जिस पे हमारा व्लॉगिंग चैनल है, तो वी गेट सो कनेक्टेड कि अब सिर्फ टीवी पे चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी, अब हर तरफ यू नो यू जस्ट नीड योर मोबाइल एंड एवरीथिंग इज़ देयर. तो आपके ऊपर है, ऑडियंस के ऊपर है कि वो क्या देखना चाहती है क्या नहीं देखना चाहती. मैम आप लोग की बात करूँ, काफ़ी अलग अलग प्रोजेक्ट आप लोग के समझ में आ रहे हैं, बट कोई रियलिटी शो जैसे स्मार्ट जोड़ी ऐसे कोई रियलिटी शो आपको देख पाएंगे? डेफिनेटली अगर कोई अच्छा डांस रियलिटी शो हम दोनों को ऑफर होता है, हम लोग दोनों डांसर्स हैं, मैं काफ़ी हद तक मैचअप कर लेती हूँ, लेकिन अगर कोई अच्छा शो आएगा तो मैं डेफिनेटली करूँगी. लेकिन अगर मुझसे कोई इसलिए शो के लिए आ रहा है मेरे पास कि कुछ कंट्रोवर्सी मिलेगी, तो नहीं, मैं उस चीज़ से बिल्कुल दूर हूँ. यस, ऐसा मिलेगा नहीं, क्योंकि उन लोगों को ऑलरेडी पता है कि जो सर है वो वैसा वाला कॉन्टेंट शायद देंगे नहीं, क्योंकि सर बहुत डिफरेंट है, वो बहुत शांत रहता है. और अविनाश तो मतलब मुझे मालूम है कि पर्सनल लाइफ में इतना शांत रहता है, लेकिन बिग बॉस में अलग अलग आपके ना मतलब इतना ज़्यादा खून खौला देते हैं ऐसे ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि आपकी नेचर डिफरेंट टाइप से निकल आती है. सो आई डोंट नो कि अविनाश अगर बिग बॉस में जाए तो उसको कैसा आई डोंट नो प्रेजेंट किया जाएगा, बिकॉज आप कितना भी सोच लो जैसा उनको दिखाना है वो वही दिखाते हैं. तो मैं अविनाश के साथ अगर बिग बॉस में जाऊँ मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि मैं गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये काफ़ी देर तक कर सकता है, मैं नहीं कर सकती, मैं इंस्टेंट वहीं के वहीं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. That's right.
very excited, of course, कोई भी, because I'm always a television baby. So जब भी कोई नया channel launch होता है, इसका मतलब you have the opportunity to get in there and work with them. So I'm very happy and excited. यार हमारे दोस्तों का है, विभू जी को मैं जानता हूँ, निवेदिता है, सो आई वांट टू विश देम बेस्ट ऑफ लक, आई एम श्योर दे विल डू अ ब्रिलियंट जॉब, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर देम. मोर लाइक ओटीटी इन द टीवी चैनल, ओटीटी प्लेटफॉर्म फॉर कंटेंट इन टीवी, हाउ डू यू सी ओटीटी ग्रोइंग इन इंडिया इन फ्यूचर एंड इन दिस टाइम? इट्स ऑलरेडी देयर, इट्स ऑलरेडी देयर. या एज आई टोल्ड, यार आई थिंक द लाइंस विल इवेंचुअली गेट ब्लर्ड. Like what Atrangi is trying to do, most of the content that's coming on OTT will also come on a channel like this. So I think it's an eventuality. It's good it's happening. Yeah, of course. I have never worked on OTT platforms, so I always wish and desire to. Kya hua? I have never worked on OTT platform ever, abhi tak to nahi kiya hai, and I really would want to work in there. So yes, jaise Ijaz ne bola ki OTT ab koi nayi cheez nahi reh gayi hai, in fact it is a competition to movies also. So पता नहीं यार कब इट्स गोइंग टू बी ऑन एयर एक्चुअली, एंड वी आर ऑन द लुक आउट फॉर समथिंग दैट मेक्स सेंस टू बोथ ऑफ अस. एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम योर साइड? माय टेलीविजन शो इज कमिंग अप ऑन दंगल, सो वेरी एक्साइटेड, एंड आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड शूटिंग फॉर दैट. सो अदर थिंग्स आर ऑल्सो देयर, बट अगेन एज आई से दैट यू हैव टू वेट टू हियर फ्रॉम योर साइड. तेरा जो होगा तो होगा. And what about the reality show? कोई reality show में देख पाएंगे आप दोनों एक साथ? Any smart जोड़ी अभी हाल ही में गया एक reality, ऐसा कोई reality show में आप दोनों एक साथ देखने का मौका मिलेगा? पता नहीं यार, पता नहीं. Thank you so much. अतरंगी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि अतरंगी नया जी सी लॉन्च होने जा रहा है, बिकॉज बहुत एक्साइटमेंट है मुझे, क्योंकि अतरंगी का जो टैगलाइन है वो आई थिंक इट्स OTT ऑन टेलीविजन. तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आई होप कि जो कंटेंट है वो OTT का कंटेंट TV पे देखने को मिलेगा, और उसको लेकर बहुत एक्साइटेड. ज़रूर कोई इंटरेस्टिंग रोल आएगा तो मैं ऑफ कोर्स अतरंगी का पार्ट होना चाहूँगा. अभी मेरी फिल्म रिलीज हुई है सरकारू वाली पाटा विद महेश बाबू और रवि तेजा सर के साथ में, और दो तेलुगु फिल्म और कर रहा हूँ, और साथ में मैं स्कैम 2 का भी पार्ट हूँ. लेट्स सी, अभी आई डोंट नो यार, मतलब मैं बहुत श्योर नहीं हूँ. डेफिनेटली आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ बिग बॉस, बट कई बार थोड़ा सा स्कैर्ड भी हो जाता है ना, आदमी सोचता है कि क्या है, बट डेफिनेटली आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ बिग बॉस. हाँ ज़रूर, शेफाली और मेरे हम दोनों को कोई साथ में ऑफर आएगा तो हम डेफिनेटली करना चाहेंगे. थैंक यू. Hi, I'm Yasa. I'm taking care of the people.
Thank you. What do you want to say? How excited were you for this day? Because this is a big day for you. Yes. So we were associated with the group from a very long time, and there I'm really happy today. बहुत खुशी होती है जब यू नो आप शुरू से किसी चीज़ में होते हैं. हमारी पूरी टीम ने दे हैव रियली वर्कड हार्ड फॉर दिस एंड दिस अतरंगी इज समथिंग दैट वी रियली लुक फॉरवर्ड टू. बिल्कुल अतरंगी कंटेंट मिलेगा, रेगुलर कंटेंट बिल्कुल नहीं मिलेगा यहाँ पे. बहुत एक्साइटमेंट होगी आप लोगों को ये कंटेंट देने में, देखने में. अभी यू नो वी कैन नॉट रिवील मोर, बट यस इट इज़ अ फैंटास्टिक एंड अ वेरी डिफरेंट कंटेंट. पीपल से हम अलग हैं लेकिन हम सच में अलग हैं. राइट, थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक यू. गाइस कैरेक्टर चेंज हो गया, अब हर वक्त मेरी बहन राखी के साथ देखते हो. आज मैं दूसरी बहन को लेके आया हूँ अपनी. राखी तुम्हारी बहन है? राखी मेरी बहन है, तुम भी मेरी बहन हो. राखी के मुंडन. मेरे सिर्फ चार भाई हैं, उसके अलावा मैं किसी आदमी को नहीं जानती, भाई नहीं बनाती. नो भाई नहीं. बट आई एम सो वी आर सो हैप्पी दैट आई मेट हर, यू नो शी इज शी लुकिंग सो गॉर्जियस. She asked me first thing, राखी का है, so sweet. No, मैंने नहीं पूछा. झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है. मैंने नहीं पूछा, नहीं नहीं पूछा. मुझे पूछा है राखी का है, मैंने बोला कि मेरी बहन दुबई गई है. अगले हफ्ते मैं भी जा रहा हूँ साथ में. तो मेरा कोई बात नहीं, वो बहन वहाँ गई है तो ये बहन यहाँ पे आ गई है. देखो कोई ना, वो दुबई गई है तो मेरा शोहर दुबई में ही है. चलो, नाइस टू सी यू. नाइस टू सी यू गाइस. थैंक यू सो मच. अब ये आगे क्या होगा, कैसा दिखेगा वीडियो, आई डोंट नो, लेकिन वो तुम्हारी बैंड बजा देगी. नहीं बैंड नहीं बजाएगी. चलो नाइस, थैंक यू गाइस. थैंक यू, बाय. या देखिए, जब भी कोई नया चैनल आता है तो हमारे लिए प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा बढ़ जाता है काम करने का, काम मिलने का. और ऑब्वियसली
जब वो होता है तो और भी अच्छा होता है. तो इट्स ऑलवेज वेलकम. आई मीन से द मोर चैनल्स द मोर सॉफ्टवेयर यू गेट टू सी, ज़्यादा एंटरटेनमेंट के ऑप्शन आ जाते हैं. थोड़ा कन्फ्यूजन होता है बट जो चल गया वही ठीक है. आई हैव नो आइडिया. आई एम जस्ट हियर टू कंग्रेचुलेट निवेदिता. उनका और मेरा रिश्ता बहुत पुराना है. राइट नाउ आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट फॉर द लास्ट व्हाट वन मंथ टू वन एंड हाफ मंथ. तो आगे क्या होने वाला है ये भी मुझे नहीं पता. बट आई सपोज नागिन है, ऊपर नीचे तो होने वाला है. कोई लोग आएंगे कोई लोग जाएंगे तो इट डिपेंड्स. आई डोंट नो इफ आई एम रेडी फॉर एनी अदर रियलिटी शो एनी मोर. नहीं जी, जब कुछ होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा. थैंक यू सो मच. अरे लुकिंग प्रिटी एज ऑलवेज. मैम व्हाट यू वांट टू से अबाउट द अतरंगी टीवी, इट्स अ न्यू चैनल व्हिच इज इन फ्यूचर. व्हाट यू वांट टू से अबाउट? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस. I like the fact and the way things are moving and growing so rapidly, and I'm honored that I got to be part of this. So yeah, I'm looking forward to watch. Can we see you in the thank you. Kuch bhi ho sakta. Of course. Kyun nahi? And how life has changed after lockdown? Yeah. Especially seeing you in the reality show was quite amazing for as a fan. लिटरली लॉकअप के बाद दूसरे पूनम पांडे का जन्म हुआ. ऐसा लगता था कि आप लोग मुझे जानते ही नहीं थे मैं कौन थी. सिर्फ एक 15 मिनट कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन जो मुझे सब बोलते हैं. एनी विच वे आई एम सो यूज टू इट नाउ दैट आई शुडंट बी. बट आफ्टर लॉकअप पीपल हैव नोन मी लाइक they know me, so I'm grateful to all fans. Yeah, if they offer me I would love to do it. Yes, there's a web series, there's a music video that I'm working on and you'll get to hear that one. So. सबसे पहले विभू अग्रवाल जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. हैप्पी बर्थडे टू विभू जी. विभू जी इज़ अ वेरी डैशिंग बिजनेसमैन. बहुत ही उनको फिल्मों की बहुत ज़्यादा समझ है मीडियम की. तो मुझे इतना विश्वास है कि अतरंगी पर कुछ अलग ही हमको कंटेंट देखने मिलेगा. तो आई विश विभू अग्रवाल एंड द एंटायर टीम ऑफ अतरंगी ऑल द वेरी बेस्ट एंड जस्ट रॉकेट मैन. ये
न्यू चैनल मोर अपॉर्चुनिटीज वी नो विभूजी सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड निवेदिता इज अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड सो एंड वी नो निवेदिता इज कैलिबर एंड हर पोटेंशियल सो आई एम श्योर दिस चैनल इज सून गोना बी नंबर वन कैन वी सी यू I did get few calls from Atrangi, but nothing as of now. But I would love to be a part of it. And as just said, both Nivedita and Vibhuji, both are very eminent, powerful people. Jis cheez mein haath dalte hain, wo successful hota hai. And they know what the audience wants. Nabs pehchante hain wo. So definitely Atrangi is also going to do very well. After the success of your last show, what kind of project you are looking forward to? Everything. I'm an actor and there's nothing that I want to limit myself ki mujhe sirf ye karna hai, wo karna hai. So I am keeping myself open to everything. Films, web, television, whatever it is. Whatever gives me a chance to connect with my audience. What about reality shows? That as well. That and, as well. And if you want to pick any reality show, Big Boss is there, Lockup is there, which will be the first reality show you will pick? Fear Factor or a dance show? So what will the first reality show you खतरों के खिलाड़ी एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम योर साइड मेरा पता चल जाएगा मेरा फिलहाल तो आई एम फ्री बट इट्स जस्ट लाइक यू नो आई एम प्रेपिंग अप फॉर समथिंग न्यू एंड इट्स टू सून टू से एंड अभी तो शो खत्म हुआ आई एम जस्ट चिलिंग विद माई हस्बैंड यस आई एम चिलिंग अ लॉट आई एम हैविंग फन वो भी ज़रूरी है थैंक यू एंड यू गाइज हैव अ लवली टाइम कैसे होंगे रात को ही हुई थी ना हमारी मुलाकात जी गुड टू सी यू अतरंगी टीवी देखो देखते रहो क्या कुछ कहना चाहोगे इस नए चैनल को वेल ऐसे दौर पर एक नया चैनल लॉन्च होना जिसका नाम अतरंगी है आई थिंक इट्स सुपर कैची एंड आई एम श्योर द लॉन्च ऑफ अ न्यू GEC विल ब्रिंग मोर एंटरटेनमेंट टू आर इंडस्ट्री And I'm wishing all the best to my dear friend Nivedita Basu. Lockup ke baad how lives have changed because we have seen the second version of yourself in the lockup. Kya kuch kehna chahoge is baare mein? Well, I think एक टाइम होता है और एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर लोगों के अलग अलग पहलू दिखाई देते हैं एंड दिस ईयर ऑफकोर्स अ न्यू साइड ऑफ मी वॉज सीन बाई दी ऑडियंस बिकॉज सो फार इट हैज़ जस्ट बिन मी परफॉर्मिंग एज एन एक्टर बट इन अ रियलिटी शो ऑफकोर्स आपको इंसान का एक अलग पहलू देखने का मौका मिलता है एक नया फैन बेस एक नई ऑडियंस मुझे मिली है और बहुत सारा प्यार मिला है जिसके लिए आई हैव अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड I'm working on something silently and I will talk about it as soon as the time comes. Okay, so this year Big Boss is also going to come. Can we see you once again in the reality show? I am not sure. Let's see what Big Boss has in store for me. If it's exciting, I will do it, yes. And if you get the chance to explore any reality show now, then you're part of Lockup. Which is the first reality show I think Khatro is something I would love to do because it's different and I think bahut mental or physical dono games humne lockup mein khele hain but I think Khatro will be purely based on your physical performance your courage and that would be something different thank you so much thank you यही कि बहुत अच्छा है यू नो जितने ज़्यादा चैनल्स हैं उतने ज़्यादा एक्टर्स को काम मिले और नया प्लेटफॉर्म है और बहुत ज़्यादा खुश हूँ और
ऑल द बेस्ट विश करना चाहता हूँ अतरंग की सारी टीम के लिए, और यही एंटरटेनमेंट 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 आता रहेगा ऑडियंसिस के लिए। सर सुना है आप भी न्यूयॉर्क जा रहा शो में अतरंग की टीम, वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग? तो मेरी वेब सीरीज आ रही है लेकिन वो अतरंग पे भी आने वाली है, तो दैट इज़ गोना बी अ लॉट ऑफ फन एंड आई एम एक्साइटेड, बहुत जल्दी आने वाली है जून सेकंड। यू नेवर नो, लेट्स सी। थैंक यू, थैंक यू। कार में यही सोचती आ रही थी दैट एक नया चैनल लॉन्च होता है तो इट्स अ ग्रेट थिंग बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। अब मैंने ये देख लिया है कि एवरीबडी एस्पायर्स टू बी एन एक्टर एंड जितने चैनल्स उतना एंटरटेनमेंट डबल, ऑल्सो लॉट्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो बहुत अच्छी बात है यार। आई एम विशिंग द टीम ऑफ उल्लू ऑल द बेस्ट बिकॉज उनका एक नया चैनल है और आई होप बाकी चैनल्स की तरह ये भी उतना ही ऊँचा जाए, एंड दैट्स माई बेस्ट विशेज। वही ना, बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सब कुछ एक्सप्लोर कर चुकी हूँ, सो लेट्स सी, बट ऐसा कुछ करूँगी जो मुझे खुद को झटके दे, तो लेट्स सी, मैं बताऊँगी। Thank you. Thank you. All the best. See you. निवेदिता बासु जिन्होंने यहाँ पे मुझे इनवाइट किया है एंड शी इज़ हेडिंग द चैनल, सो बहुत सारी विशेज और ये चैनल बहुत अच्छा चले, विभू जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड मे दिस चैनल बी आ सुपर सुपर हिट। यू नेवर नो, इट्स अ न्यू चैनल, सो लेट्स सी एनीथिंग कैन हैपन। So as you all know, lockup has been a great, great journey for each one of us. So obviously, बहुत सारे नए रिश्ते बने, बहुत सारे नए लोगों से वापस से जुड़े, तो अच्छा लगा. So it's great to be in touch with all of you. You never know, pray. Let's hope for the best. So I am doing something for my YouTube channel, coming up with a talk show with a lot of masala and fun in it, and yes, two web series and a web film is coming soon, so stay tuned. Thank you. Thank you.
ये चेहरा देख लीजिए अतरंगी वाले, निवेदिता बासु एंड द एंटायर टीम के, ये चेहरा काफ़ी पॉपुलर है हिंदुस्तान के टीवी इंडस्ट्री में, तो इस चेहरे को भूलना नहीं और इस चेहरे को काम देना भी नहीं भूलना, बस यही कहना चाहूँगी आज रात। थैंक यू। क्या सराहा जाता है? अरे ऊपर वाले का रहम है और हमारे जो दर्शक जो देख रहे हैं उनका बहुत सारा प्यार है, जो 5 साल से कुंडली भाग्य को इतना प्यार दे रहे हैं। दुआ यही है कि आप लोग ऐसे हमेशा हमें प्यार करते रहें और सृष्टि आपको ऐसी एंटरटेन करते रहें। थैंक यू सो मच। अरे हम तो बहुत खुश हैं, हम तो नाम भी सोच रहे थे कि अगर लड़का होगा तो क्या होगा, लड़की होगा तो क्या होगा, वो सब मैं डिस्कस नहीं करूँगी, बट वी जस्ट वेंट टू हिज बेबी शावर और बहुत ही अच्छा लगा। वी आर वेरी हैप्पी फॉर विनी एंड धीरज एंड आई जस्ट विश दैट दे हैव अ हेल्दी एंड अमेजिंग बेबी। थैंक यू सो मच। नए चैनल्स जो आजकल ही आ रहे हैं ना, ये बहुत ज़रूरी था हमारे इंडस्ट्री के लिए, बिकॉज हर नया चैनल एक नया फ्लेवर लेकर आता है, एक नए किस्म का उनका जो एक तरीका होता है एंटरटेनमेंट का वो लेकर आता है। तो इट्स वेरी नाइस, इट्स मोर कॉम्पिटिशन मीन्स बेटर क्वालिटी ऑफ शोज, बेटर मोर वर्क फॉर ऑल द पीपल ऑफ द इंडस्ट्री। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स ग्रेट, इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर एवरीबडी। कौन सा वाला? सभा वाला, जोगन। हाँ हाँ, लास्ट सॉन्ग जोगन वेंट वेरी वेल। उसके बाद और भी दो गाने बाहर आए, बेवफा एंड रहने दो, एंड दे आर ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। एंड टच वुड, टेलीविजन के साथ साथ, वेब के साथ साथ अब म्यूजिक वीडियोज़ में भी मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत यू नो दिल से शुक्रिया करता हूँ ऑडियंस का। कोई ऐसा शो जो मैं दोबारा करना चाहता हूँ? आई थिंक आई वॉन्ट टू डू समथिंग लाइक, बचपन में हमारे वो शोज आते थे ना वीकेंड पे, सुपर हीरोज वाले, कैप्टन व्योम, शक्तिमान, उस तरह का शो मैं करना चाहता हूँ, बट इन 21st सेंचुरी टुडे, लाइक सुपर कॉप यू नो और समथिंग लाइक दैट। आई वुड लव टू डू समथिंग लाइक दैट। आई थिंक रियलिटी शोज आर अमेजिंग, दे आर वेरी एंटरटेनिंग एंड I love to dance, so I would be very happy to participate in some kind of a dance reality show someday. I think it's a nice way of entertaining the audience and getting to connect with the audience. Ek character ke alawa aap jo ho, aap actually mein jo actor ho, jo insaan ho aap, aapka introduction hota hai aapki audience ke saath. So I think that's amazing. How would you wish us? I would wish everybody all the best. Thank you.
hogging up your space. Oh my god. Firstly, good to see you guys. What do you want to say about the Atrangi TV? New channel is going to come. Kya kuch kehna chahoge ma'am? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अतरंगी चैनल है तो अतरंगी लोग होंगे ही ना, जैसे हम. वेल, हरा सिंदूर हम कर रहे हैं. एंड एक अच्छी बात यह है कि फाइनाइट सीरीज़ है जहाँ पे स्टोरी शुरू से अंत तक तय है. एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी ड्रैगिंग ऑन. ऐसा अभी तक तो तय यही है. सो ये अच्छी एक बात है कि फिर हम स्वयं शो करते करते कहीं गुम नहीं हो जाएंगे. एंड ऑब्वियसली अतरंगी अर्थात कुछ अलग. तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे हीरोइंस या हीरोज़ एकदम आंसू बहाने वाले ही जो नॉर्मल होते रहे हैं वही हों. सो कुछ अलग देखने को मिलेगा. चूँकि मैं खुद शो कर रही हूँ तो मैं ये कह सकती हूँ. हाँ, मैं इनके साथ एक सीरीज़ कर रही हूँ, इट्स कॉल्ड कड़ियाँ. तो अच्छा है, अच्छा लगा करके थोड़ा. मेरे लिए मैं CPI का रोल कर रही हूँ. ओह वाओ, दैट्स वेरी कूल. सो अच्छी टीम है. मैम, व्हाट अबाउट द रियलिटी शो? वी नो वी आर ऑन, बिकॉज़ आफ्टर दैट वी हैव नॉट सीन यू इन एनी रियलिटी शो. क्या हम देख पाएंगे बिग बॉस के घर में फिर से देख पाएगा? नहीं यार, एक बार हो गया ना. मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था तो मैं उसमें खुश हूँ. हाँ, एक्चुअली जितना भी मैंने लॉकअप देखा मुझे अच्छा लगा. फर्स्ट सीजन था तो वाकई में उन्होंने काफ़ी अच्छा किया था. आपने गुनावर का गेम तो काफ़ी क्लोजिंग देखा रहेगा. हाँ, नहीं वो डिजर्विंग था, डेफिनेटली वो डिजर्विंग है. और बेस्ट क्वालिटी आई थिंक वो बहुत ऑनेस्ट था. बहुत ऑनेस्ट मतलब जो भी उसका था वही कि अच्छा बनना है बुरा बनना है ऐसा कुछ नहीं था, वो रियल था. मैं एक्चुअली टेलीविजन नहीं देख पाती हूँ. मैं अपने NGO और अपनी एक्टिंग और घर के साथ बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ. सो आई कैन नॉट कमेंट एट ऑल. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. दैट्स गुड. देखते अभी तो एक कुछ नया ही आ रहा होगा अगर हुलू लॉन्च कर रहे हैं समथिंग न्यू.
कुछ अच्छा ही आ रहा होगा, तो मैं अभी कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे इस बारे में, एक मिनट यार दोबारा कट करके दोबारा ले लो उसको, कट करा दो। क्योंकि मैंने ना आपको देखा जी, सॉरी वन सेकेंड, हाँ रोहित कहाँ हो? अरे मैं तो ये इंटरव्यू वाले यहाँ पे सेक्शन में बस इंटरव्यू दे रहा हूँ, आप कहाँ हो? अरे नहीं मैं यही हूँ, मैं आ रहा हूँ नीचे आता हूँ, ये इंटरव्यू दे के आता हूँ आप लोग, सॉरी गाइज चलिए। हाँ हाँ जी, वेल आज मैं बेसिकली यहाँ पे निवेदिता के लिए हूँ। वेल एक नया जी सी चैनल शुरू हो रहा है अतरंगी, आई वुड लाइक टू विश ऑल ऑफ देम ऑल द बेस्ट। एंड अभी अभी हमने देखा किस तरह के शोज़ आ रहे हैं और ये वेब सीरीज़ भी करेंगे, तो OTT चैनल्स पे भी ये होने वाले हैं, आप इनको देखेंगे। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, ऑल द बेस्ट टू द टीम डी एंटायर टीम। आ तो चुका है कच्चिया कच, एक और नहीं, एक तरीके से कच्चिया कच्चियाँ वॉज लाइक सीक्वल टू दैट, बट देखते हैं अब टी सीरीज़ क्या डिसाइड करता है। बेवफा के तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट 400 मिलियन होने वाले व्यूज़, बहुत ही अच्छा गाना वो निकल भी गया, लोगों को बहुत पसंद भी आया। एंड कच्चा कच्चिया अभी रिलीज़ हुआ है 11th मई को, उसके लिए भी लोगों ने परफॉर्मेंस को काफ़ी सराहा है, सो दैट इज़ वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अपकमिंग देर आर फ्यू डिजिटल थिंग्स दैट आई एम डूइंग, एंड गानों की अब एक गाना और निकलने वाला है और कुछ गानों के लिए जा रहे हैं, कर ही लिए हैं अभी तो, कितने तो कर ही लिए, बिग बॉस भी किया है, नेचुरली भी किए हैं, बाकी भी किए हैं, तो देखते हैं कभी कुछ और रियलिटी करना होगा तो करें। थैंक यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आई एम एक्साइटेड, फर्स्टली द नेम इज़ बहुत ही अतरंगी है, बहुत ही स्टाइलिश है, और आई थिंक ये बहुत ही इम्पैक्टफुल होगा, और उससे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की निवेदिता बासु इसकी है, इट इज़ गोइंग टू बी सो ऑसम, सो अमेजिंग। यू नो आई थिंक टीवी ऑन OTT देखा था, OTT ऑन TV ये पहली बार देख रहे हैं, सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया, जो भी कुछ नॉवल होता है, जो भी कुछ नया होता है, इट ऑलवेज वर्क्स, एंड आई थिंक दिस विल ऑल्सो वर्क, दिस इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक। Inspiring because जब केविन ने जर्नी शुरू की है, it was, he had one show and slowly worked his way up. As he became a better actor, he was doing bigger, better roles, better shows. So I think he's had an amazing journey. Amazing, it's so inspiring. So, if you give a single word to your entire journey. यही कहना चाहूँगा कि हम इंसान हैं, गलतियाँ होंगी और गलतियाँ करना हमारा हक है, और गलतियों से ही सीखेंगे, और ऐसे ही सीखते सीखते बस लड़कते लुढ़कते लोगों का ऐसे ही दिल जीतते जाएंगे। यस, वी वुड लव टू एक्सप्लोर प्रोड्यूसिंग अ रियलिटी शो और होस्टिंग अ रियलिटी शो, आई वुड लव टू एक्सप्लोर दैट मीडियम, दैट वुड बी ग्रेट। Thank you and wishing Vibhu Agarwal also congratulations for this great endeavor, man. Awesome. All the best. All the best, buddy. Thanks, guys. Nivedita and you know Vibhu, they are coming up with their own OTT platform and they are coming up with their own you know television channel, which is an amazing, and I think it's a big step towards you know the OTT world we are living in these days.
That you'll have to ask to probably Vibhu and Nivedita, but I would love to, why not? Why not? I would love to do that, yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you. मैम यो ये छोटे से बुद्धू को 10 साल से जानती हूँ मैं, वैसे मेरे लिए बुद्धू है। या लुक या प्लीज